जोहार जोहार झारखंडी जोहार। सरहुल के इस खास मौके में मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप मेरे व्लॉग को देख रहे हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी रांची में सरहुल किस तरीके से मनाया जाता है। जी, सरहुल की जो धूम होती है वो रांची में बहुत ही शानदार होती है। लोग नाचते हुए गाते हुए परंपरागत कपड़ों को पहनते हुए वो सभी सरहुल को मनाते हैं। तो आइए आप मेरे व्लॉग के ज़रिए देखिए रांची का सरहुल। मेरे घर से थोड़ी दूर और आगे जाने पर मुझे मिला चर्च कॉम्प्लेक्स, और चर्च कॉम्प्लेक्स में देख सकती हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल डांस करते हुए वो सरहुल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अभी मैं हूँ चर्च कॉम्प्लेक्स मीन्स जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स मेन रोड पे, और सरहुल की धूम आप देख ही सकते हैं। लोग हैं ब्रिज ये जो है उसके ऊपर भी खड़े होकर के देख रहे हैं, और लोग अपने ट्रेडिशनल जो कपड़े उसे पहनते हुए नाचते गाते हुए झूमते हुए वो चरना स्थल जो सिरमटोली चौक में वहाँ जा रहे हैं। Yeah.
सरहुल के खास मौके पर सब तरफ सिर्फ लाल और सफ़ेद रंग ही नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो सभी लोग सरहुलमय हो गए हैं। वाकई में प्रकृति पर्व सरहुल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और एक दूसरे के करीब लाता है, साथ ही प्रकृति से भी जोड़ता है। बढ़ जा रहा है और लोग और ज़्यादा दुगनी उत्साह के साथ सड़कों पर गाते हुए, डांस करते हुए सभी सरना स्थल की ओर जा रहे हैं।
अच्छा लग रहा है कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। घड़ी की सुइयां तो इशारा कर रही है कि समय काफ़ी हो चला है, पर मन ही नहीं कर रहा है कि अभी घर जाओ। अपनी दोस्त जेनिफर के साथ मैं सरहुल को एंजॉय कर रही हूँ और मुझे लगता है कि ये खूबसूरत दिन और खूबसूरत पर्व सरहुल रियली में बहुत ही शानदार मैसेज को देता है। जैसे सामने जो झांकी आप देख रहे हैं, ये झांकी प्रकृति से संबंधित हमें संदेश दे रही है। प्रकृति का खास लगाव होता है, प्रकृति का एक खास संबंध होता है आदिवासियों के साथ में, तो इसी संदेश को बहुत सारी झांकियों में दिखाने की कोशिश की गई है। मैं जानती हूँ कि मेरे व्लॉग के ज़रिए जो भी देख रहे हैं आप सबों को भी सरहुल सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है, तो आप भी आने वाला साल जो है 2025 आप रांची आइए और सरहुल हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए। वाकई में आपको सरहुल बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए सरहुल को देखे हैं और सरहुल को एंजॉय किए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, झारखंडी जोहार, और आप सबों को पुनः प्रकृति पर्व सरहुल की ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां। धन्यवाद।